हरी बेटा कुछ खाना है, मैं ला के दूँ कुछ, सब ठीक हो जाएगा। माँ से बातें तो करो। अब कैसी तबीयत है इसकी फजीलत? वैसी ही है, न जाने किस मनहूस की नजर लग गई मेरी बेटी की खुशियों को। फजूल बातें मत करो फजीलत। ये हमारे अमालों की सजा है जिसे हम नजर और जादू टोने का नाम देकर अपने अमाल को और ज्यादा खराब कर लेते हैं। बारा, तुम परी को तैयार कर देना, मैं मजीद भाई के साथ जाकर किसी दिमाग के बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा इसे। क्या दिमाग के डॉक्टर के पास? क्यों? मेरी बेटी पागल नहीं, मैं इसे पागल खाने नहीं जाने दूंगी। जिस बात का पता ना हो उसमें बहस मत किया करो परी की माँ। मैंने कह दिया ना कि मैं इसे लेकर जाऊंगा अस्पताल, तो लेकर जाऊंगा बस। इसकी जरूरत नहीं है परी के पापा, मैं जानती हूँ मेरी बेटी को क्या हुआ और ये किस तरह ठीक होगी। बस आप एक बार मुझ पर भरोसा कर ले। पर भरोसा करके तो अब तक चुपचाप बैठा था मैं, लेकिन तुमने उस जादूगरनी के पास जा जाकर मेरी बेटी की ये हालत करवा दी, फिर तुम उसके पास जाने का सोच रही हो? जो कुछ भी मैं करती हूँ ना, इसके भले के लिए करती हूँ। मैं अपनी बेटी की दुश्मन नहीं हूँ। वैसे तुम्हारे होते हुए इसे किसी और दुश्मन की जरूरत हो भी नहीं सकती। मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, फिक्र ना करो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।